तुम उस मजहब से सहिष्णुता दिखाने की सोच रहे हो जिस मजहब में हलाला एक सामाजिक प्रथा हो, अपनी ही बेटी से शादी कर लेना जायज हो, ट्रिपल तलाक पुरुषों का धार्मिक हक हो और मजहब के लिए किसी की भी निशंस हत्या कर देना गर्व की बात हो। यह किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा भेजा गया एक टेक्स्ट मैसेज था जिसे मैं अपने मोबाइल में पढ़ ही रहा था, तभी दूसरा मैसेज आया। कोई कमलेश मरा है, सुनने में आया है, प्रकाश डालिए। जी हाँ, इस पर प्रकाश डालेंगे, बात भी करेंगे, लेकिन उससे पहले एक फतवे की बात कर लेता हूँ। पटाखे फोड़ना गैर इस्लामिक है, यह फतवा देवबंद से जारी हुआ है। खास बात यह है कि यह फतवा दिवाली से जस्ट कुछ दिन पहले ही आया है ताकि मुसलमान बच्चे हिंदू त्योहारों में शिरकत ना कर सकें और दूर रहें। लेकिन सच्चाई यह भी है कि देश के कई ऐसे शहर हैं जो ईद के महीने में पटाखे फोड़ते हुए उत्सव मनाते हुए रोजा तोड़ते हैं। लेकिन इस फतवे को जिसे देवबंद ने जारी किया, इस पर कोई बात नहीं करेगा क्योंकि ये एक खास मजहब के लोगों के द्वारा जारी किया गया है और इससे असहिष्णुता भी नहीं बढ़ेगी, इससे तो सामाजिक सौहार्द बढ़ेगा, इसलिए इस पर कोई बात नहीं होगी। लेकिन अगर यही बातें किसी हिंदू संगठन के द्वारा बोली गई होती तो मीडिया विधवा विलाप कर रहा होता कि आरएसएस देश को तोड़ना चाहता है। लेकिन अगर देवबंद फतवा जारी करेगा, इससे न तो देश की सहिष्णुता बिगड़ेगी न ही देश को तोड़ना कहा जाएगा। हम इतने क्यूट समाज के अंदर रह रहे हैं जहां पर कमलेश तिवारी की गला रतकर हत्या कर दी जाती है और ओवैसी नाचते हुए देखा जाता है। जश्न मनाते हुए कुछ खास मजहब के लोग पाए जाते हैं और ये कहते हैं कि उसको उसके कर्म की सजा मिले। वहीं कुछ हिंदू पूछ रहे हैं कि कोई कमलेश मारा गया है, सुनने में आया है, प्रकाश डालिए। थो क्यूट ना, ये जुलास आप देख रहे हैं ये हमारे और आपके अंदर के क्यूटनेस का परिणाम है। देश के अंदर और बीजेपी शासित राज्य की राजधानी में एक हिंदू नेता की गला रेतकर हत्या कर दी जाती है और सेकुलर वामपंथी से जब भी आप इस मैटर पर बात करेंगे तो आपको कहते नजर आएंगे कि कहां आप भी हिंदू मुस्लिम करने में लगे हो। देश के अंदर बेरोजगारी बढ़ रही है, आर्थिक मंदी है, भुखमरी है, हंगर इंडेक्स में तो भारत 102वां स्थान है और आपके पास कोई काम नहीं है क्या? आप राम मंदिर में लगे हो, हिंदू मुस्लिम करने में लगे रहते हो, भक्त कहीं के, और ये सेकुलर वामपंथी आपको भक्त का सर्टिफिकेट देंगे और निकल लेंगे। लेकिन जब विक्टिम में खास मजहब का होता है तो इनकी विचारधारा बदल जाती है। ये कहने लगते हैं कि आप क्या करेंगे रोजगार लेकर, क्या हासिल होगा भुखमरी दूर करके, जब आपको मुसलमान होने के कारण इस देश के अंदर लिंच कर दिया जाएगा, देश के अंदर मार दिया जाएगा। देश के अंदर डर का माहौल है और ये मोदी सरकार ने क्रिएट किया है, आरएसएस ने क्रिएट किया है। इस तरह से बातें करेंगे और फिर आगे बढ़कर कहेंगे कि भारत लिंचिस्तान है, भारत असहिष्णु है, और ये बताने का भी प्रयास करेंगे कि हिंदू और भगवाधारी जो लोग हैं वो चाकू लेकर अपने घरों में बैठे हुए हैं और जैसे ही मुसलमान घर से बाहर निकलेगा उसका गला काट दिया जाएगा। इस तरह से बताने का कई प्रयास किया जा चुका है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बागों में बाहर है, हाँ है, चौकीदार चोर है, हाँ है, डर का माहौल है, हाँ है, तुम्हें हिंदुओं से प्यार है, 12 बार नहीं 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 और नहीं नहीं नहीं। नमस्कार, मैं थो क्यूट रवीश कुमार। रवीश कुमार के लिए चौकीदार चोर भी है, बागों में बाहर भी है, डर का माहौल भी है, लेकिन मुसलमान अपराधी नहीं है क्योंकि मुसलमान का अपराधी होना रवीश जी के एजेंडे में फिट ही नहीं बैठता। ये 1.5 फुट का अवार्ड पाने वाले तथा कथित स्वघोषित पत्रकार रवीश कुमार ने इस पूरी घटना कमलेश तिवारी की हत्या वाली घटना को छुआ तक नहीं क्योंकि अपराधी मुसलमान थे। वहीं आप याद कीजिए अकलाफ के मामले में, आप याद कीजिए गौरी लंकेश की हत्या के मामले में, तरवेज की हत्या में और सैकड़ों ऐसी हत्याएं जिसके लिए स्वघोषित पत्रकार के गिरोह ने पूरी घटना के लिए पूरे हिंदू धर्म को ही अपराधी बता दिया था। कठुआ रेप कांड के बारे में याद कीजिए, अपराधियों का धर्म हिंदू धर्म से जोड़कर पूरे देश को ही इन्होंने रेपिस्तान कह दिया था। लेकिन इस पूरी घटना के अंदर स्वघोषित पत्रकार रवीश कुमार बता रहे हैं कि स्काई ब्लू है या पिंक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। देश की निष्पक्ष मीडिया और तथाकथित सेकुलर पार्टी का दोगलापन दिन प्रतिदिन नजर आता जा रहा है और उनमें रवीश कुमार टॉप पर हैं। अगर आप कांग्रेस से बातें करेंगे तो कांग्रेस पार्टी के नेता आपको ये कहेंगे कि योगी आदित्यनाथ के काल में हत्या हुई है, इसके लिए योगी आदित्यनाथ को इस्तीफा दे देना चाहिए, उनसे राज्य की व्यवस्था सुधर नहीं रही है। लेकिन वही सेकुलर पार्टी और वही रवीश का जो ग्रुप है पश्चिम बंगाल में हो रही हत्या के लिए चुप्पी साधे बैठा होगा। आप याद कीजिए बंद प्रकाश की गला रेतकर हत्या के 10वें दिन कमलेश की भी हत्या गला रेतकर कर दी जाती है और आपको इस पर आश्चर्य नहीं होता, आप यानी इस देश के जो स्वघोषित पत्रकार हैं। जरा सोचिए, अपराधी बंदूक और चाकू दोनों लेकर आए थे, वो कमलेश की हत्या गोली मारकर भी कर सकते थे लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, उन्होंने गला रेता क्योंकि आपको यानी हिंदुओं को वो एक संदेश देना चाहते थे। गला रेत कर हत्या और गोली मारकर हत्या करने में वही फर्क है जो हलाल और झटका में है। एक का उद्देश्य सिर्फ हत्या करना होता है जबकि दूसरे का उद्देश्य तड़पा कर निशंस हत्या करना होता है। कमलेश को हलाल किया गया और आप कमलेश को पूछ रहे हैं कि कमलेश है कौन।
इमेजिनेशन कीजिए थोड़ा सा कि पहले अपराधियों ने कमलेश का दोनों हाथ पकड़ा होगा, फिर गले को रेता होगा और हृदय से पंप करने वाला रक्त कितनी तेजी से गले के पास से पिचकारी मारते हुए बह रहा होगा और यह सब अपराधी अपनी आंखों से देखते रहे। 15 मिनट तक उन्होंने इंतजार किया होगा, उसके बाद उन्होंने गोली मारी, वहां से भाग गए और अभी भी पुलिस के पकड़ में नहीं आए। और सोगसित पत्रकार के का क्या कहना है कि आप हिंदू मुस्लिम कर रहे हो, आपको ही उल्टा आरोप लगा देंगे। उस कमलेश को कथित हिंदूवादी नेता योगी आदित्यनाथ भी नहीं बचा पाए, ना ही पुलिसों ने उन हत्यारों को अब तक पकड़ पाई। लेकिन मैं भी हिंदू जाग जाओ ऐसा नहीं कहूंगा और ये भी नहीं कहूंगा कि आप मुसलमानों से सामान ना खरीदें। कराना के एक विधायक ने कहा कि मुसलमानों को कुछ दूर पैदल चलना पड़े तो चलें, लेकिन हिंदू दुकानदारों से सामान ना खरीदें। पहले शांतिदूतों ने कराना से हिंदुओं को पलायन कराया, अब उन्हें पता है कि हिंदुओं को आर्थिक बहिष्कार करोगे तो उनकी कमर टूट जाएगी और वो खुद ही पलायन कर जाएंगे। इसलिए वो जानते हैं कि वार यानी घात कहाँ किया जाना चाहिए, आर्थिक स्थिति पर किया जाना चाहिए और वो यही कह रहे हैं। मैं कराना का शांत प्रिय विधायक नहीं हूं, इसलिए मैं आपको ये भी नहीं कहूंगा कि मुसलमानों से सामान ना खरीदें, क्योंकि धर्म के आधार पर भेदभाव करने की इजाजत हमारा संविधान नहीं देता। इसके लिए आप अपने विवेक का इस्तेमाल कीजिए, लेकिन मैं आपसे ये जरूर कहूंगा कि आप गरीब हिंदुओं से ही सामान लें, आखिर तमाम हिंदू जातियां भी तो गरीब हैं। आप उनसे सामान लेंगे तो आपका धर्म मजबूत होगा। मैं अपने धर्म को मजबूत करने की बात कर सकता हूं, क्योंकि अपने धर्म को मजबूत करने वाले काम करने की इजाजत हमारे देश का संविधान भी देता है। साथियों, जब मार्केट में जाएं तो आप दुकानदार से पूछें आखिर वह व्यक्ति कौन है जिससे आप सामान ले रहे हैं, वह व्यक्ति सामान कहां से लाता है, किस मजहब वाले व्यक्ति से लाता है, क्या वह किसी खास मजहब से जुड़ा हुआ तो नहीं है, क्योंकि एक खास मजहब के लोग अपनी कमाई का 1% हिस्सा जिहाद के लिए देते हैं। कहीं आपका भी पैसा जिहाद के लिए तो नहीं जा रहा है, क्योंकि अगर ऐसा न होता तो पिछले 30 दिनों में आखिर दुनिया के अलग अलग देशों में 150 से ज्यादा लोग मजहब के बल क्यों चढ़ा दिए गए, आप यहां पर देख सकते हैं। ये स्क्रीनशॉट मेरा नहीं है, आप इसे गौर से देखिए और आप देखिए कि क्या जिहाद के लिए तथाकथित शांतिप्रिय समुदाय के लोग अपनी फंडिंग देते हैं या नहीं देते। मेरे पूरे मजहब से तात्पर्य पाकिस्तान के मजहब से है, इसलिए आप हमारे देश के मजहब से जोड़ कर ना देखें। दिवाली पर आप किससे सामान लें किससे सामान ना लें ये आप खुद ही तय करें, लेकिन हिंदुओं आपको तैयार होकर रहना पड़ेगा। जिस तरीके से फेक प्रोफाइल बनाकर हिंदुओं पर अत्याचार किया जाता है, दोस्ती की जाती है और दोस्ती के आड़ में जो हो रहा है उससे आपको सजग रहने की आवश्यकता है। आपको डरने की भी आवश्यकता है और डरने से मेरा तात्पर्य ये नहीं है कि आप कायर हैं, डरने से मतलब ये है कि आप जागरूक बने। आपको कब कहाँ किस गली में कौन सा व्यक्ति नाम बदल कर आएगा, गला रेत जाएगा और ये कहेगा कि फलाने की राह में चलने से फलाना काम होता है और फलाना रास्ता पाक है ये कहकर निकल लेगा और देश की मीडिया और वो मोदी जिसके लिए आपने वोट किया वो मोदी भी आपको बचा नहीं पाएगा। नमस्कार, मैं आम आदमी, एक सामान्य व्यक्ति।